अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ए न्यूज। मैं हूं हफ्सा मिन्हा। सबसे पहले हेडलाइंस। सानिहा हवेलिया में जां बहक होने वाली एयर होस्टेस सदक फारूक कलर सईदा में सफुर्द खाक। पिम्स इस्लामाबाद में मैयतों की शनाख्त का अमल भी जारी। चीनी शहरी हिनक्वांग के भाई से डीएनए टेस्ट के लिए नमूने ले लिए गए। इत्तला-ओ- नशरियात की वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान धमकियों और सड़कों की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पनामा लीक्स पर हुकूमत आज भी अपने मौकिफ पर बरकरार है। रेल का पहिया अब चलना शुरू हो गया। 2017 के आखिर तक रेलवे मुलाजमीन का सर्विस स्ट्रक्चर सिस्टम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कराची में तकरीब से खिताब। मतलूबा मकासद के हसूल तक कराची ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ह कर दिया। सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हर सियासी जमात को मुल्की कानून और आइन के मुताबिक काम करने की इजाजत है। औरकज़ई एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, कान में छुपाया गया असलहा और गोला बारूद भी बरामद।